ठीक है न्यूट्रल बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मुल्क की सालमियत भी बड़ी जरूरी है। मुल्क के न्यूट्रल से पूछना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया था तब, ये जो साजिश जो मैं सुन रहा हूँ हो रही है, अगर ये कामयाब हो गई तो हमारे मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान होगा। जो एक जरदारी हुसैन अकानी के साथ अमरीकनों को कह रहा है कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो, वो मेरे पर मुकदमा करेगा। 60 रुपए लीटर आप एक हफ्ते के अंदर बढ़ा दें और आप सोचे ही ना कि आम आदमी का क्या हाल होगा। मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाने की बातें हो रही हैं, क्या नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? इमरान खान का बुनेर में जलसे से खिताब, कहा न्यूट्रल अच्छी चीज है मगर मुल्क की सालमियत भी जरूरी है। शौकत तरीन के जरिए न्यूट्रल्स को बता दिया था कि साजिश कामयाब हो गई तो मुल्क को नुकसान होगा। सोवियत यूनियन की मईशत नीचे गई तो मुल्क टूट गया था। हमने इतनी महंगाई पूरे दौर में नहीं की जितनी 2 माह में हुई। हमने रिलीफ देकर अपने लोगों को महंगाई से बचाया। 60 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया, तनख्वाहदार तबके का क्या होगा? तेल और पेट्रोल की कीमतों में फिर दिल पे पत्थर रखकर मजबूरन इजाफा करना पड़ा। पिछली हुकूमत ने कीमतें कम कर दी और हमारे लिए एक जाल फेंका कि उसमें जो हम फंस जाएं। दिल पर पत्थर रखकर तेल महंगा किया, कोई ऑप्शन नहीं था, बहुत कोशिश की, अवाम पर बोझ न डालें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में तकरीब से खिताब, कहा पिछली हुकूमत ने हमें फंसाने के लिए कीमत कम की। 8 करोड़ गरीब अफराद के लिए 2000 रुपए रखे हैं। 2000 रुपए से गरीब अवाम मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाएं, बस में सफर करें या बच्चों की तालीम पर खर्च करें, बोले माहीगीरों से खिताब में कहा गवादर के हर घर में बिजली और पीने का पानी देंगे। इमरान हुकूमत के मुआहदे से पेट्रोल और बिजली महंगे हुए। मरियम नवाज ने ट्वीट किया आवाम की तकलीफ का एहसास है, महंगाई ने पिछले 4 साल से आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी, मुल्क की मौशरी बुनियादें मजबूत की जा रही हैं, इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ही फिर आवाम को रिलीफ देगी, हमें आवाम की तकलीफ का इधराक भी है और एहसास भी। वजीर आजम लोड शेडिंग में कमी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इमरान खान का गुनाह सिर्फ महंगाई कम करना था, पीटीआई रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। फारूख हबीब ने कहा शहबाज शरीफ को अवाम की मुश्किलात का कोई एहसास नहीं, जो इनको लेकर आए थे उनका तजर्बा नाकाम हो चुका। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा इमरान खान ने सच और हक की बात की, अभी पेट्रोल की बूस्टर डोज भी लगेगी, पेट्रोल 270 रुपए पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमत के मुआहदों का बोझ उठा रहे हैं। वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब का कहना है IMF से मुआहदों पर शौकत तरीन के दस्तखत हैं, जो नज़्म आप पढ़ रहे हैं इस पर आपको शर्म आनी चाहिए। शौकत तरीन ने कहा था 30 रुपए पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, उन्होंने देखा हुकूमत खतरे में है तो सब्सिडी दे दी। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से मुल्की मईशत ठीक हो जाएगी, ये अफरा तफरी और 16% महंगाई भी आपकी दी हुई है। तेल की कीमतों में इजाफे पर ऑपोजिशन का सेनेट में हंगामा, ऑपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट मीर सादिक संजरानी के डाइस का घेराव कर लिया। अराकीन शोर शराबे के बाद ऐवान से वॉकआउट कर गए। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा महंगाई को खत्म नहीं कर सकते तो किसने कहा था कि पंगा ले। वजीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा मईशत और सियासत का मामला अलग अलग रखना चाहिए। उनको आम का बिल्कुल फिक्र नहीं है, वो अपने आयाशी के लिए वहाँ पे बैठे हैं। ऐवान में तो लोग मजे कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं है कि महंगाई होती क्या है। बेसिकली जो बड़े बड़े मगरमच्छ हम कहते हैं जिसको, तो उसके लिए सब कुछ फ्री है, पेट्रोल वगैरह उसकी रिहाइश है और बहुत से आरइश उसको मिल रही है। जो ब्यूरोक्रेट्स है जो बड़े बड़े अहदों पर बैठे हैं तो वो सारे जो है सरकार के जो है पेट्रोल और डीजल ये वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं लग रहा है कि पेट्रोल की कीमत क्या है। वफाकी हुकूमत का मुफ्त पेट्रोल पर बड़ा कट लगाने का फैसला, वज़ीर-ए-आज़म को सरकारी पेट्रोल पर 30 से 40% कटौती की तजवीज़। वज़ीर-ए-आला सिंध ने सरकारी मुफ्त पेट्रोल पर 40% कट लगा दिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि पेट्रोल कोटे में कमी से खजाने पर बोझ में कमी होगी। वज़ीर-ए-आला KP ने भी महकमों के पेट्रोल पर 35% कट लगाने का फैसला कर लिया। मुफ्त पेट्रोल क्यों दिया जा रहा है, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया।
रूस से सस्ता तेल ले रहे थे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं हुकूमत को डर है रूस के पास गए तो अमरीका नाराज होगा। हम आवाम की खातिर IMF के सामने खड़े होते थे। हम्माद अजहर ने कहा अप्रैल में रूस से पेट्रोल आना था, जिनकी मदद से ये हुकूमत में आए वो पाकिस्तान को मुस्तहकम होता नहीं देख सकते। बिजली की कमी से अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। मुल्क झूठ से नहीं हकायक से चलते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बोले सब्सिडी कर्जे लेकर बर्दाश्त करते तो ज्यादा महंगाई होती, मईशत आगे बढ़ाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो वो भी पेट्रोल महंगा करने का ही फैसला करती। मुसद्दिक मलिक बोले सब्सिडी की कीमत आवाम आज महंगे पेट्रोल की सूरत में अदा कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों में इजाफा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों का निजाम दरहम बरहम। रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर और मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मजीद इजाफा कर दिया। स्टॉप टू स्टॉप किराया 30 से बढ़कर 50 रुपए कर दिया गया। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट किरायों में 70 से 80% इजाफा। किरायों में मनमाने इजाफे से मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार। महंगाई की लहर, गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों ने नई गाड़ियों की बुकिंग बंद कर दी। कार मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक डॉलर के उतार चढ़ाव और टैक्सेस में इजाफे के बायस बुकिंग बंद की गई। महंगाई के बायस गाड़ी तो दूर मोटरसाइकिल खरीदना भी मुश्किल हो गया। गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स 994 पॉइंट्स गिर गया। मार्केट 41,243 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर भी 26 पैसे महंगा हुआ। अमरीकी डॉलर 197.85 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 158.50 रुपए पर बंद हुआ। पाकिस्तान श्रीलंका नहीं, हमारे हालात मुख्तलिफ हैं। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तजा सैयद कहते हैं पाकिस्तान पहले कभी डिफॉल्ट नहीं हुआ और ना ही डिफॉल्ट करेंगे। दूसरी तरफ दर मुबादला जखायर में नुमाया कमी, स्टेट बैंक के जखायर 36.60 करोड़ डॉलर कमी के बाद 9.70 अरब डॉलर तक गिर गए। कमर्शियल बैंकों के जर मुबादला के स्टॉक में भी 37.80 करोड़ डॉलर की कमी हुई। महंगा पेट्रोल बर्दाश्त करें या बिजली के बढ़ते हुए बिल, बिजली की कीमतों में इजाफे की तफसीलात सामने आ गई। सार्फीन के लिए 10 स्लैब मुतारिफ, हर स्लैब का नर्ख मुख्तलिफ होगा। पी यूनिट कीमत कम से कम 24 और ज्यादा से ज्यादा 37 रुपए होगी। लाइफ लाइन सार्फीन का कम अज कम बिल 2,716 रुपए आएगा। 300 यूनिट इस्तेमाल पर बिल 12,359 रुपए होगा। 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को 17,400 रुपए देना होंगे। मुसल्ला अफवाज अहम रियासती इदारा और कौम का फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुसल्ला अफवाज अमन सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम की जामिन है। वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर पोर्ट का फजाई दौरा किया, ईस्ट बे एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह किया। तुर्क नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा इंतखाबात अगस्त या सितम्बर 2023 में ही होंगे। मुश्किल हालात और चैलेंजेस का सामना करने का फैसला किया। इमरान खान का मुल्क टुकड़े होने का बयान, पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कमर जमान कहते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क के खिलाफ बयान जेब नहीं देता। इतवार को पाकिस्तान खप्पे रैलियां निकाली जाएंगी। इमरान खान इक्तदार खत्म होने के बाद इदारों की तौहीन कर रहे हैं और इदारों को सियासत में मुदाखलत का कह रहे हैं। अफगानिस्तान में मुज़ाकरात के बाद TTP सीज फायर पर रजामंद। ज़रा के मुताबिक जिरगे के मजीद सेशन अनकरीब होंगे। सीज फायर पर अमल दरामद की जमानत जिरगा देगा। मुज़ाकरात अफगान वजीर दाखला सिराजुद्दीन हक्कानी की सरबराही में हुए। जिरगा वापस आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की अफगानिस्तान में कबायली जिरगे और कालदम TTP में मुज़ाकरात की तस्दीक।
सरकारी अफसरान की तरक्की खुफिया इदारों की रिपोर्ट से मुंसलिक वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ब्यूरोक्रेट की तायुनाती और तकरीरी से पहले खुफिया एजेंसी रिपोर्ट देगी। खुफिया एजेंसी तमाम सरकारी अफसरान की स्क्रीनिंग करेगी। T20 के बाद पाकिस्तानी वुमेन टीम ने वनडे सीरीज भी जीत ली। दूसरे वनडे में पाकिस्तानी टीम ने श्रीलंका को 73 रन से शिकस्त दी। 254 रन के हदफ के ताकुब में श्रीलंका की टीम 9 विकेट्स के नुकसान पर 180 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से फातिमा सना ने 4 और उमैमा सुहेल ने 2 विकेट्स हासिल की। पाकिस्तानी वुमेन टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। हैप्पी बर्थडे वसीम अकरम, साबित कप्तान और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम 56 साल के हो गए। पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट में 414 जबकि वनडे में 502 विकेटें हासिल की। आईसीसी और पीसीबी की वसीम अकरम को सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद। और बॉक्सिंग किंग मोहम्मद अली को दुनिया से गुजरे 6 बरस बीत गए। लेजेंडरी बॉक्सर के मद्दाह आज भी उनको भूल नहीं पाए। मोहम्मद अली 3 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जीतने वाले वाहिद बॉक्सर हैं और उन्होंने 19 बार अपने टाइटल का दिफा किया।